सर्बिया में विश्व युवा शिखर सम्मेलन में सत्येंद्र सिंह पर्यावरणविद एवं चेयरमैन उत्थान समिति ने सभी देशों को पर्यावरण को बचाने के लिए एक मंच पर काम करने की अपील की। आगे उन्होंने कहा कि भारत की तरह सर्बिया भी पर्यावरण के मुद्दों का सामना कर रहा है। हाल ही में बेलग्रेड में वायु प्रदूषण में वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। निम्न वायु गुणवत्ता, खराब प्रबंधन और प्रदूषित नदियां उन समस्याओं के कुछ उदाहरण हैं जो दोनों देशों के लिए समान है। मेरी राय में हमें अलग अलग राष्ट्रों के रूप में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दुनिया के एक हिस्से के रूप में सोचना चाहिए और विभिन्न विचारों और प्रौद्योगिकियों के साथ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम इन पर्यावरणीय मुद्दों से लड़ सके। विभिन्न कानूनों और विचारों से प्रेरणा लेने से दोनों देशों को एक अच्छा संतुलन खोजने में लाभ होगा, जहां हम विकास करना जारी रख सकते हैं लेकिन पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हो सकते हैं। सतत विकास यहां महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनका उपयोग हम लंबे समय में हवा और पानी से कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषकों को कम करने के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं को आगे आने की अपील की। आगे कहा कि युवाओं में आजकल तनाव बहुत अधिक बढ़ रहा है, जो कि चिंताजनक स्थिति है। इसके लिए युवाओं को स्वयं सेवक की तरह पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। इससे उनको मानसिक शांति मिलेगी और तनाव भी कम होगा। Serbia, just like India, is also facing environmental issues. Recently, there were protests in Belgrade regarding the increase in air pollution. Low air quality, poor waste management and polluted rivers are some examples of the problems that are common for both the countries. In my opinion, we need to team up and not think as individual nations, but think as a part of the world and help each other with various ideas and technologies available so that we can fight these environmental issues. Taking inspiration from various laws and ideas will benefit both the countries in finding a good balance where we can continue to develop but also be environmentally conscious. Sustainable development is the key word here, because we need to find ways that we can use to lower carbon emission and pollutants from air and water in the long run. Debra Dem, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much for your presentation and your thoughts, especially about the mistakes in our life. Don't be afraid of mistakes, because you should have a clear strategy. You should have a plan of activities and deadline for achieving the goals. But